हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है, बी ऑप्शन राइट होगा, 19 दिसंबर को, ठीक है ना। आज़ादी, भारत की आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली थी, जब 1861 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली के कब्जे से छुड़ाया था। जब साल 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से छुड़ाया था, तब 1940 में भारत में सत्याग्रह चल रहा था। उस समय गोवा के कुछ नागरिकों ने भी उसमें भाग लिया था। गोवा की संस्कृति भारत से बिल्कुल अलग थी, इसलिए 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी पुर्तगाली गोवा को मुक्त नहीं करना चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने पुर्तगालियों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो भारत सरकार ने सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन सा ऑपरेशन विजय चलाया था? और गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त करवाया था। अब पार्ट है इम्पोर्टेंट डे की, तो इम्पोर्टेंट डे की बात है तो इम्पोर्टेंट डे 1 दिसंबर से आज 19 दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं एक लाइन से हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 इम्पोर्टेंट डे 2 दिसंबर को मनाए गए हैं। 3 दिसंबर को मनाया गया है विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस, इन 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तथा यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, यानी 2 इम्पोर्टेंट थे, 15 दिसंबर को मनाए गए हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कुशल मजदूरों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए NSTC ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, सऊदी अरब। ये है मैप में सऊदी अरबिया, ठीक है ना, जिसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NSDC के CEO वेदमणि तिवारी ने कहा है कि भारत में कुशल मजदूर NSDC में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए और किसके साथ काम करेंगे। अब बात है सऊदी अरबिया की, तो ये है मैप में सऊदी अरबिया। इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया यहाँ के किंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा ने 50 ओवर के 8 विकेट गंवाकर 287 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को DSCSC श्रीलंका में गोल्डन आउल सम्मान भारतीय सशस्त्र बल
को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात है श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपये। प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो किस टीम ने खरीदा है? बी ऑप्शन राइट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा है। इस तरह मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। ये हैं मिचेल स्टार्क। अब बात है आईपीएल यानी द इंडियन प्रीमियम लीग होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ने साइबर सुरक्षा अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार सभी 57 जिलों में साइबर थाने खोलने जा रही है। मंगलवार की हुई कैबिनेट बैठक से कुछ जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन थानों को खोलने में लगभग 1,27,27,51,000 खर्च होने का अनुमान है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है यहाँ की कैपिटल। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, बांग्लादेश टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले के मेज़बान UAE को हराकर 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज अशिकुर रहमान सिबली प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, जिन्होंने फाइनल में 129 रनों की आतिशी पारी खेली है। वही रहमान को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। बात है बांग्लादेश की, तो यह मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो रमन सिंह को सी ऑप्शन राइट होगा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो यह कैप मैप में ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी? रायपुर। सीएम कौन है? नए सीएम है विष्णुदेव साय। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बी ऑप्शन राइट होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है। यह मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल
नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य सेकंड को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक विकास कितने % रहने का अनुमान है? तो सी ऑप्शन राइट होगा, 16%। अब बात है IMF की रिपोर्ट के अनुसार तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी होती है, इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC US में इसका हेडक्वार्टर है। MD कौन है? क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो सी ऑप्शन राइट होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य है जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? रमेश वैस यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन में 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? तो 139 लाख करोड़ हो गया है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अब बात है UPI की, तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शुरू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को। ऑनर कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका ऑनर है, यानी NPCI। अब NPCI की बात है तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है ना। और इसके MD और CEO कौन है? दिलीप एस बे इसकी MD एंड CEO के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रीनिवास नाइक, बी ऑप्शन राइट होगा। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड गर्व से घोषणा करता है कि उसके अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को कोलंबो श्रीलंका में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है। अब बात है G20, तो G20 क्या है? G20 या 20 का समूह एक अंतः सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संस्थानीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र यानी इजिप्ट, ठीक है ना। इजिप्ट की बात है तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कारियो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।